साथ ले साथ मिल गया तो अपने बंद हो जाएगा। हो गया बाबा की याद में खाओ ओंकार ऐसे जानती है क्या होता है ना ओंकार ओंकार वही रहो ओम शांति गुड मॉर्निंग सुबह सुबह मॉर्निंग थॉट्स एंड मेडिटेशन आई एम अ पीसफुल सोल। मैं विजयी रत्न आत्मा हूँ सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अपने आप को संकल्प दें। चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा गया है सेंटर पर। संडे है आज गुलजार दादी का कल स्मृति दिवस भी है तो उसके लिए आज सेंटर पे भोग रखा गया है और शिवरात्रि का भी प्रोग्राम आज ही है झंडा का बाबा का। तो हम लोग सेंटर निकल रहे हैं चलिए चलते हैं अभी छत पे थोड़ा। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भारत। यह है सुबह की मॉर्निंग जो आप देखिए कितनी सुंदर। सुबह सुबह का वाइब्रेशंस। सन गेजिंग कीजिए आज का। क्या आपने सन गेजिंग शुरू कर दिया है? कमेंट जरूर कीजिए। सब बैठे हुए हैं चलिए सन गेजिंग करते हुए इनको भोजन दे देते हैं। पहले सूरज को दाब को देखना है कुछ नहीं कोई हार्ड काम नहीं है बस सूर्योदय से 10 मिनट पहले आकर बैठिए छत पे चले जाइए या कोई एकांत जगह पे या फिर कोई प्रकृति के ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ खाली पैर नदी हो तालाब हो खेत हो और वहाँ से इस सूर्य की एनर्जी को आप फील कीजिए। बाबा कहते बच्चे बाबा को याद करो तो बैटरी चार्ज होगा। कौन सी बैटरी? हमारे शरीर में भी एक बैटरी लगा हुआ है शरीर रूपी हार्डवेयर में एक बैटरी लगा हुआ है। सॉफ्टवेयर क्या है आपको पता है चल ही गया होगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। इसी को साइंस ने कंप्यूटर के रूप में भी निकालने की कोशिश की है। इसी का नाम है कंप्यूटर रोबोट। तो मैं सन गेजिंग पर था। सन गेजिंग आपने शुरू किया है कि नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम लोग सेंटर जाने वाले हैं जहां प्रोग्राम है शिवरात्रि का और हम लोग बाबा का बर्थडे मनाएंगे। ये बर्थडे बहुत न्यारा है स्वयं परम पिता परमात्मा शिव का। उनका आने का समय क्या आपको पता है? भगवान का बात है पता है तो कमेंट कीजिए और नहीं पता है अगर जानने के इच्छुक भी हैं तो ब्रह्मा कुमारी के नज़दीकी शाखा में जाकर इसका 7 दिन का कोर्स करिए। वो नन्हा पक्षी ऊपर बैठा है और मधुर आवाज Thank you.
सूरज को जूम करने से क्या होता है, कितना जूम है। कुछ नहीं, क्या होगा। चलते हैं अब सेंटर, अभी सन गेजिंग हुआ और ये सेजल लोग अभी नहीं आई, तैयार हो रही है तो सेंटर के लिए लेट हो रहे हैं। मैं ही आकर इस कंप्लीट हुआ और अब हम लोग सेंटर जा रहे हैं। चलिए सेंटर से आप लोगों को लाइव दिखाते हैं कि वहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है। तैयार हो गई है, तैयार हो गई। कहाँ जाना है, किधर जा रही है? ठीक, चलो चालू है अभी। पापा आए हैं, पापा आए हैं। लो वाह, चालू है वीडियो। डैडी कहाँ रह गए? हम तो बोले थे डैडी को सोएंगे तो नहीं। हेलो हेलो, अरे हड़बड़ी नहीं करो तो। चलो चलो आगे चलो। अच्छा बैठो 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 बैठो, जल्दी लेट हो रहा। घुस जा अंदर से दोती। अरे अब जरिया जा दोती। कितना सुंदर, आप देखिए बाबा के बच्चों का टैलेंट, देखिए बाबा के बच्चों का टैलेंट है, देखिए है ना। ये इतना बड़ा शिवलिंग देखा है आपने, देखिए एक छोटी सी बच्ची हम लोग के बीच में आएंगी और बहुत प्यारा सा डांस करेगी। चलिए
खिचड़ी झंडा का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सबके हाथ में झंडा देख सकते हैं आप शिव बाबा का। बहुत प्यार से सभी शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। सबके हाथ में झंडा दिया गया है, शिव बाबा का झंडा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। सब स्टेज पे आ गए हैं, मुख्य मुख्य अतिथिगण और दीदी जो है पहुंच चुकी है झंडा फहराने के लिए। सभी भाई बगल में बबली भाई भी खड़े हैं, वो हमारे सीनियर मोस्ट भाई हैं। और सभी के हाथ में झंडा लहराते हुए दीदी झंडा फहराने के लिए, झंडा का गीत भी झंडा फहर चुका है, हैप्पी हैप्पी बर्थडे शिव बाबा। झंडा जो है झंडा जो है प्रतीक होता है बाबा को प्रत्यक्ष करने का। झंडे से एक विशेष वाइब्रेशन निकलते हैं, बाबा शांति का सागर है तो शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल जाते हैं झंडे से। वो झंडा जो है बाबा के सभी गुणों को और शक्तियों को प्रत्यक्ष करता है और सब मिल करके झंडा का करते हैं। विशेष झंडे के दिन जो है झंडा फहराने के बाद सबको फूल बरसाया जाता है सबके मस्तक पर। शिव बाबा को भी जो है देखिए बगल में शिवलिंग भी रखा हुआ है। बहुत भीड़ थी उस दिन सेंटर में। और झंडे के बाद फिर नंबर आता है केक कटिंग का। अब हम लोग केक कटिंग की ओर जाएंगे। केक काटने के लिए दीदी आ चुकी है, सभी वरिष्ठ भाई बहनें स्टेज पर आ चुके हैं, वृष माताएं। और अब केक कटने की बारी है। इतना बड़ा केक आप देख रहे हैं, देखिए केक कटिंग चल रहा है, कटिंग हो रहा है, देख सकते हैं आप। केक कटिंग हो गया। हैप्पी हैप्पी बर्थडे शिव बाबा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे शिव बाबा। देखिए सबके हाथ में झंडा लहराता हुआ और केक कटिंग। 28वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इसी यूं ही इसी तरीके से अपने जीवन में खुशियों का झंडा लहराते रहें, पवित्रता का झंडा, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सर्व गुणों और शक्तियों का झंडा यूं ही फहराते रहिए सभी भाई बहनें। और ये बच्चे भी, बच्चों के हाथ में भी आप झंडा देखिए। ये सबसे छोटी बच्ची है जिसके हाथ में भी जो है झंडा दिया गया था। और ये अब केक कटिंग के बाद नंबर आया है भोग, ब्रह्मा भोजन का। ब्रह्मा भोजन के लिए अरेंजमेंट किया गया था हॉल में। देखिए सब भाई बहनें वहाँ से लाइन लगने के बाद, एक लाइन लगी हुई है, और लाइन लगने के बाद सभी प्यार से शांति से ब्रह्मा भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मा भोजन में थाली में देखिए पूड़ी सब्जी और सेवई थी, फल फ्रूट्स भी थे और केक भी था जो केक कटिंग हुआ उसके लिए स्पेशल केक। बहुत ही प्यारा सा ब्रह्मा भोजन, बहुत ही स्वादिष्ट बाबा की याद का ब्रह्मा भोजन प्रसाद जिसको हम लोग कहते हैं। इस ब्रह्मा भोजन के लिए देवी देवताएं भी तरसते हैं। ये है ब्रह्मा भोजन। और स्टेज पर बबली भाई का स्पीच है, छोटा सा स्पीच आप बबली भाई देते हुए स्टेज पर। स्टाइल मार रही है, हम वीडियो बना लिए तुम्हारा। यहाँ शिवरात्रि का जो प्रोग्राम हुआ है, देखो मामा, ये क्लासरूम है, चलो डा। आ जा आ जा आ जा बाहर आ जा।
उधर भी जाओ, उस पे भी, घोड़ा पे जाओ, घोड़ा पे जाओ टिया।